सामने आप छोटा सा पहाड़ जैसा देख रहे हैं, यहाँ करीबन 10 से 15 साल पहले एक बार मैं जोशिया के मोटरसाइकिल को ऊपर चढ़ा दिया था। भयंकर जोश उस समय मेरा दांत खराब हो जाता था, कहीं भी गाड़ी को अचानक चढ़ा देता था मैं, वैसे इसके ऊपर चढ़ा दिया था टॉप में। तो वो सब समय याद आता है जब इस रास्ते से पार होता हूँ। हाँ, हम अभी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो क्षेत्र एक्चुअल नागलोक भी है और वर्तमान परिस्थिति में वो गजलोक। और यहाँ से पंडरी पानी मुश्किल से होगा 2 किलोमीटर, बागबाहर से टोटल दूरी है 10 किलोमीटर। और हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही बढ़िया सा गांव है, पंडरी पानी भी लगा हुआ गांव है। और यहाँ पे जब भी मेला होता था हम लोग बागबाहर वासी विशेष मेला देखने आया करते थे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का अच्छा बड़ा मेला एक तो कांसाबेल में होता है और एक पंडरी पानी में होता है। तो एक समय की बात है, हम लोग यहाँ पैदल भी आ गए थे, 8 से 10 किलोमीटर दूरी जो है सुबह निकले और रात को आराम से पैदल वापसी हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, पानी का फेमस मेला है और यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। तो ये है पंडरी पानी का पहला चौक जिसे परहाटोली कहा जाता है और मेन चौक है अंदर, और ये बाईपास है और यहाँ से फरसा बाहर भी जाया जाता है जिसे नागलोक का मेन अड्डा कहा जाता है। वो जो सामने आप एक झूले का जो स्टैंड वगैरह देख रहे होंगे, बड़ा सा स्टैंड हो रहा है जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहीं पे लगता है मेला। और लॉकडाउन के दौरान ही मेला चल रहा था और जैसे लॉकडाउन हुआ अचानक न काम करने बना, न सामान ले जाते बना, ठेकेदार को भी वापस जाना पड़ गया और अभी तक जस का तस वो झूला वैसा ही पड़ा हुआ है। देखिए तौर पर वो झूला जो आज खड़ा हुआ है आधा अधूरा, वो आने वाले मेले का इंतजार कर रहा है बहुत ही बेसब्री से। और ये है हमारा पूरा पंडरी पानी का सर्कल, देखिए अब बाईपास द्वारा हम लोग पंडरी पानी पार कर चुके हैं और फरसा बाहर रूट को टच कर चुके हैं। और हमारे तरफ इतनी हरियाली है कि जिस रास्ते में भी जाइए दिल बाग बाग हो जाता है, मजा आ जाता है, बस निकलने की देरी है। हम लोग को तो भाई दुकानदारी बंद है तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ दिन और तरीके से बंद हो जाए, हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहे, प्रकृति के नजारों का आनंद लेते रहे। तो हम लोग बचपन से ही महाराज के साथ इस टाइप से घूमा करते हैं, कभी उड़ीसा चले जाया करते थे, कभी झारखंड चले जाया करते थे और बचपन से जवानी की ओर प्रवेश करके जवानी भी पार करने को आ गया और हम वैसे की वैसे ही हैं और भगवान करे कि ऐसे ही रहे। क्या कहते हैं महाराज? बिल्कुल सही बात है अग्रवाल जी, बचपन तो हमेशा याद आता ही है और बचपन में किया गया हर वो काम बहुत ही सुपर था और आज बहुत भी सुपर था। और ऐसा नहीं है कि उम्र बड़ा हो गया तो दिमाग भी बड़ा हो गया, बचपना तो आज भी हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। और ये बचपना और जवानी की उमंगे और तरंगे कभी खत्म ना हो, भगवान से ऐसी ख्वाहिश है, गुजारिश है। तो बजरंगबली हर चीज हमेशा बरकरार रखे, यही हमारी भगवान से कामना है। तो महाराज किधर से वापस हो, इधर शॉर्टकट मारे क्या, ऐसे करके तिलंगा होके निकाल दे क्या? नहीं, हम अभी थोड़ा सा फरसा बाहर घूम के आ जाते हैं। मेरे को लग रहा है बेटे तेरा कुछ काम है घूमने के बहाने, तो मेरे को यातीचू बना के ले आया है, सत्य बता महाराज? ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक रोड देखिए, अचानक एक घर से फोन आ गया कि भाई कोतबा से कुछ सामान लेके आना है। तो पंडरी पानी से हम लोगों ने एक शॉर्टकट पकड़ लिया है अम्बा कछार होते हुए कोतबा जाने का, और ये रास्ता इतना ज्यादा बीहड़ है कि हाथियों का आना जाना तो लगभग इसमें लगा हुआ होता है। और कुछ समय पहले जब मेरा जो भाई आया था उस समय उन्होंने हाथी के दर्शन भी किए थे डायरेक्ट, तो ये वही रोड है, फुल हाथी क्षेत्र प्रभावित।
ये व्यू देखिए कितना बेहतरीन, कितना शानदार उधर वो पहाड़। असल से कहीं ना कहीं मेरे को मोबाइल की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जितना सुंदर तबाही ये व्यू है उस लेवल का इस कैमरे में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। महाराज भी विकट जोशानंद में है, विकट परेशान है भाई, इतना लुक को देख के परेशान है ये। और यही वो जगह है जहाँ हाथियों का आतंक बरसता है। महाराज दो सब इस जगह के बारे में कुछ बताएं, आप आते जाते रहते हैं। देखिए ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, ये जो जंगल आप देख रहे हैं यह समूचा जंगल हाथियों का डेरा है। यहाँ वो स्थायी रूप से रहते हैं। एक आदमी अभी मिला था, बोला कि भाई साहब हाथी आगे है, आप थोड़ा सा देख ताक के चलिएगा। और महाराज ये वही जगह है जहाँ हाथी हमेशा आते जाते रहते हैं। और कुछ दिनों पहले मेरे भाई लोग जब आए थे पिंडू के साथ, तो यही उनका मुलाकात हुआ हाथी से, डायरेक्ट उस गड्ढे पे बैठा हुआ था, सामने कहीं गड्ढा है तो ये वही घाट है। और हो सकता है हमें भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, निकट खतरनाक जगह है ये। तो बरसात के दिन में ये जगह और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये जगह आने के बाद, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर है प्रकृति के मामले में, हर चीज के मामले में, लोगों के मामले में विकट क्वालिटी है यहाँ पे। तो महाराज देखिए ये घाट, ये बहुत पुराना घाट है, इसको आंबा कचार घाट बोलते हैं। और ये बहुत ही सकरा घाट है, ये देखिए सामने का नजारा महाराज, बोलिए। और घाटों से भरा हुआ ये हमारा जशपुर जिला है। इस जिले में कहीं ना कहीं जिस रूट में भी जाएंगे उस रूट में कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा घाट आपको जरूर मिलेगा। हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई घाट यहाँ लगा रहता है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, जशपुर और अंबिकापुर को। सत्य सत्य। और नजारों पे नजारे बिखेरता हुआ ये रास्ता, बिल्कुल एक से बढ़कर एक प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे बिल्कुल मन को मोह ले रहा है। ये देखिए सामने का व्यू, देखिए फटे फटे तक व्यू है यहाँ पे। हमने इस जगह से प्रभावित होकर इस जगह पे आखिर अपनी बाइक रोक ही दी, क्योंकि इतना सुंदर और हरा भरा ये जगह है, एकदम बिल्कुल ओपन, चारों तरफ खुला खुला, ऐसा लग रहा है कि किसी खाई में चारों तरफ पेड़ और पौधे की खाई है। और उस जगह हम लोग नीचे की तरफ हैं और पूरा बैकग्राउंड हम लोग को जो है ये हरा हरा पेड़ और पौधा ढक दिया है। और यहाँ महाराज भी प्रफुल्लित हो गए हैं इस जगह को देख के। तो महाराज आप क्या कहना चाहते हैं भाई यहाँ पे? देखिए भारत भूमि प्रकृति से भरा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जगदलपुर से जशपुर तक, जो प्रकृति अपनी शोभा को बिखेर रही है ये किसी से छिपा नहीं है। आप हर क्षण हर पल हर जगह हर भूमि पर आप प्रकृति का वो खास नजारा देख सकते हैं, जो आपको आपके मन को कहीं ना कहीं प्रसन्नचित करेगा। जशपुर जिला प्रकृति से परिपूर्ण है, फूल पौधे पेड़ वृक्ष हरियाली वन्य प्राणी नाना प्रकार का चीज यहाँ पे रहते हैं। प्रकृति के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। हरियाली ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में हरियाली कभी कमी नहीं होती। मोबाइल का स्पेस हो गया फुल। और ये जो सेट है Redmi Note 5 Pro, ये कुल 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, जिसके कारण कुछ फुटेज ही इसपे सेव हो पाते हैं, बाकी स्पेस रनिंग आउट लीक देता है। तो इसी मोबाइल से ही मैं एडिट करता हूँ, कोई लैपटॉप वैपटॉप का यूज नहीं करता, तो समय थोड़ा सा लगता है। जितने भी आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं, हर वीडियो मोबाइल से ही एडिट किया हुआ है मेरा काइन मास्टर द्वारा जो है। तो घूमने में बहुत मजा आया, कैसे समय बीता पता ही नहीं चला। और सच बताऊं तो बरसात के दिन में जो वातावरण है, जो प्रकृति है, इतना ज्यादा निखर जाता है। और जहां पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की भरमार होती है, मानिए कि वहां जन्नत देखने को मिलता है, ऐसा फील होता है। जहां पेड़ पौधे नहीं,
तो एकदम वीरान सा लगता है। और हमारा जो क्षेत्र है ये घाटियों से भरा हुआ है, छोटे बड़े पहाड़ आसपास बहुत से हैं, जशपुर हो गया, मैनपाट हो गया और अंबिकापुर, जिधर भी आप जाएंगे सिर्फ ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग रायगढ़ भी जाते हैं, चारों तरफ जिधर भी आप निकलिए सिर्फ प्राकृतिक दृश्य ही है, सच है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ हरियाली होती है, इंसान का मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होने के कारण मन भी शुद्ध होता है, मैं ऐसा फील करता हूँ। और जहाँ हरियाली नहीं होता वहाँ दिमाग को पॉल्यूशन जरूर डैमेज करता है, दिल दिमाग उतने ज़्यादा खुश नहीं होते जितना होना चाहिए। तो पेड़ पौधों का, प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा असर है इस दुनिया में। तो आप लोग जरूर छत्तीसगढ़ कभी विजिट कीजिए, देखिए कितने कितने सुंदर सुंदर यहाँ जगह हैं। खासकर मेरे को बहुत ज़्यादा अगर कोई जगह पसंद है तो वो है मैनपाट। और मैनपाट खासकर हम लोग चिंतामणि के साथ बहुत गए हैं, और जब वो अभी आएगा बीच में, जब भी समय मिलेगा तो हम लोग उसके साथ फिर मैनपाट जाएंगे। और जो रौनी था, रौनी घाट जो हमारा वीडियो बना था, वहाँ तो जरूर जाना है। तो बस आने का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।